हमें वोट का अधिकार दिया और जिस दिन वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया उनके साथ रहने वाले सोहनलाल शास्त्री जी का लिखना है कि मैं अचंभित था कि बाबा साहब अपने रूम में गए और मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा साहब के चेहरे पर मैंने 25 सालों में कभी भी हंसी नहीं देखी थी, मुस्कुराहट नहीं देखी थी। और मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जलन के साथ में कहता हूँ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग गूगल में सर्च करो, कहीं बाबा साहब की एक दिन मुस्कुराती हुई फोटो मिल जाए साथी, कहीं भी आपको मुस्कुराती हुई बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब उस दिन मुस्कुरा रहे थे और बाबा साहब से मैंने पूछा, बाबा साहब आज ऐसा क्या हो गया कि आप, मैं 25 सालों से आपके साथ में रहता हूं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है? तो बाबा साहब ने एक वक्त कहा कि आज मेरे रानी के पेट का सब पता है आपको, अब इस देश का जो राजा पैदा होगा वो देश से पैदा होगा, ना कि रानी के। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हमको दे दिया। और ये भी कहा, मेरे बच्चों ये वोट बड़ा ही खतरनाक है, पावरफुल भी है। जिस वोट का अगर सही इस्तेमाल करोगे, माने कि वोट क्या है, वोट एक दुधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है, अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हथियार हमको दे दिया। और बाबा साहब ने 1935 में कहा था, जाओ मेरे बच्चों आप अपनी दीवारों पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है, 1935 में कह दिया साथियों। और आज तक साथियों कि हम शासक बन पाए, हम नहीं बन पाए साथियों, क्योंकि हम आज भी शासक बनने के हिसाब से काम नहीं करते। शासक बनने के लिए काम जितना करना चाहिए उतना काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया में रहते हैं। आज कितने लाइक मिल गए, कितने शेयर हो गए, बस उसी में टाइम खराब करते हैं। अगर मैं एवरेज देख लूं तो कम से कम एक नौजवान साथी मेरा 4 से 6 घंटे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में काम करता है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं करता। जब तक आप जमीन में काम नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। मैंने पहले कहा 2022 से लेकर 2025 तक ये बहुजनों का महासंग्राम है साथी, और महासंग्राम मैंने सत्ता का शासक के लिए बनने के लिए आपको संग्राम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। और सेना खड़ी करने के लिए आप सबको पता है कि जंग होती है तो बिना सिपाही और बिना सेना के नहीं जीत सकते सकते। और सेना कौन हमारी है, आप मैंने पहले कहा है कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट पहले है साथ, इसलिए है आपसे जो भी पार्टी का जो कार्यकर्ता बनता है, जो भी सिपाही बनता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ में इस पवित्र मिशन का सिपाही साथियों है। ये पवित्र मिशन मूवमेंट आज ऐसे नहीं बना है। आज कुछ बहुरूपिया बोलते हैं, बहुत से बहुरूपिया बोलते हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, जो कांग्रेस से पैसा लेते हैं, सिपाहियों से पैसा लेते हैं, बीजेपी वालों से पैसा लेते हैं, और एक काम करते हैं कि बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को खंजर ठोक दो, मानव साहब का नाम लेकर मानव साहब के मिशन को खंडर ठोक दो। अरे ऐसी सोच वाले क्या हमारे समाज का कल्याण कर सकते हैं? जो हमारा मिशन है ये पवित्र है, ये संघर्षों और बलिदान के बाद आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी वोट के हिसाब से सक्रिय है। और मैं दौरे के साथ में कहता हूं, बहुत से लोग इस पवित्र मिशन और मूवमेंट पार्टी को तबाह खत्म करने के लिए आए, वो खुद तो तबाह और खत्म हो गए, लेकिन मिशन और कारवा आज देख लिए उत्तर से लेकर साउथ तक आगे बढ़ रहा था, और बढ़ता रहेगा था। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों को जो हमारे मिशन और मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं साथी। हजारों हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों गरीबों मजदूरों की आशाएं हैं। मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, जो मेरी बहनें आती हैं, जो मेरे लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनकी आंखों में आंसू होता है, और एक ही बात आशा उनके अंदर होती है, एक होप होती है, काश मेरी पार्टी दिल्ली के शासन पे पहुंच जाए, और जिस दिन पहुंच जाएगी उसी दिन मेरे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएगा।
ऐसी आशा और विश्वास साथियों है। तो इसलिए साथियों आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप लोग सोशल मीडिया का काम करिए लेकिन वो पार्ट टाइम करिए, लेकिन पार्टी का फिजिकल काम करिए। गांव गांव में जाइए, मोहल्ले में जाइए, वार्ड में जाइए और बाबा साहब की अलग को जगाइए। साथी जब बाबा साहब के अलग जगाएंगे, हम बाबा साहब के संविधान के बारे में बताएंगे, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएंगे, अपनी वोट की ताकत के बारे में बताएंगे, माने बहन के संघर्षों के बारे में बताएंगे। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, इस देश में ऐसा कोई बहुजन समाज का लाल नहीं है जिसका खून खोल ना जा सके, हर दत्तक में खोलेगा और जिसका खून खोलेगा वही आपके मूवमेंट का और मिशन का सच्चा सिपाही होगा, और जिसका खून ठंडा है वो हमारे मिशन मूवमेंट के लिए बेकार है। साथियों इसलिए साथियों मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को निसत्ता के महासंग्राम को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, माया बहन के आशीर्वाद से माया बहन ने मुझे राजसभा भेजा और राजसभा में पहुंचा। तो मैं आज भी देखता हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दिए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को इस केंद्र में बैठी सरकार जो पहले कांग्रेस की थी और अब भारतीय जनता पार्टी की है, ये दोनों सरकारें हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है और ये धीरे धीरे खत्म भी कर रहे हैं। वो आप सब देख लीजिए, अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हल्ला मचता है, लेकिन 41-1 साजिश के तहत 2 बजे के बाद पार्लियामेंट चलती है, 2 से 5 के बीच में जो बहुजनों के जनहित में जो अधिकार बाबा साहब ने बना दिए हैं उनके खिलाफ बिल लाए जाते हैं और बिलों को पास किया जाता है, और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बाकी दूसरे पार्टियां भी शामिल चाहती है, वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। अब देखिए आज भी जनरल इंश्योरेंस बिल पास कर दिया गया, माने कि बहुजन समाज के लोग इन कंपनियों के अंदर, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के अंदर रिजर्वेशन के नौकरी पा रहे थे, अब वो प्राइवेट हो गया। आप सबको पता है रेलवे प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, बैंकें बेच दी हैं, LIC बेच दिया है, कई सारी कंपनियां बेच दी है, वाइजेक स्टील जो आंध्र प्रदेश के अंदर है जिसने आज तक कभी घाटे में कोई काम नहीं किया है, 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट देती है, 5 हजार दलित इंप्लाई है, 4800 OBC के भाई इंप्लाई गरीब लोग वहां पे है और 35 हजार कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाई है। इस कंपनी को 35 हजार करोड़ में ये सरकार बेचने जा रही है और उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए है, 4 से 6 लाख करोड़ रुपए कंपनी 35 हजार करोड़ में कोई धन्ना से खरीद लेगा। इसलिए साथियों आपके अधिकारों पर हमला हो रहा है और आपके पास एक ही चारा है कि आप अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को केंद्र तक और दिल्ली पहले फतेह करिए, दिल्ली पहले फतेह करिए और फिर हम लाल किला भी फतेह करेंगे साथियों, लाल किला फतेह करेंगे साथियों। इसलिए साथियों आप सब लोगों को पूरे जी जान से लगना पड़ेगा और लग करके हमारे मूवमेंट को, बाबा साहब की विचारधारा को। आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती पार्टी है जो बाबा साहब के विचारधारा पर चलती है, कोई भी पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है, माने कि बहुजन समाज पार्टी अंबेडकराई पार्टी इस देश में इकलौती है। इसलिए आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है और डायलोपियों से आपको बच के रहना है। अगर आपके वोटों में सेंध हो गई, आपके वोटों में सेंध हो गई, 2022 से 2025 के बीच में आप इस देश में ग्राम बना दिए जाएंगे और ऐसे डायलोपिये आएंगे आपके बीच में आएंगे, वो आपको बढ़ लाएंगे। साथियों आपको बहकने की जरूरत नहीं है और आपको सिर्फ अपने सिंबल, अपनी नेता बहन जी पर विश्वास रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।